नमस्कार। आज की इस श्रृंखला में हमारा अगला वीडियो है, क्या हम खुशी बढ़ा सकते हैं। हमने पिछले दो वीडियोज में चर्चा की कि खुशी क्या है और मनोवैज्ञानिक व दूसरे शोधकर्ताओं ने खुशी की महत्वता पर कैसे जोर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम खुशी को बढ़ा सकते हैं। सौंजा व इनके सहयोगी एक शोध के जरिए बताते हैं कि आमतौर पर खुश रहने के लिए 50% योगदान जेनेटिक फैक्टर्स का है, यानी कि खुश रहने का स्वभाव या गुण हम सबका अलग अलग होता है। 10% योगदान हमारी परिस्थितियों का है और 40% योगदान हमारी इंटेंशनल एक्टिविटीज यानी कि इच्छा अनुरूप किए गए कार्यकलापों का है, जो हम अपनी दिनचर्या में चुनते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का ज्यादातर ध्यान इन खुशी बढ़ाने वाली इंटेंशनल एक्टिविटीज या गतिविधियों पर है। जीवन में कुछ विशेष गतिविधियों के जुड़ने या निकलने से हमारे पूरे व्यक्तित्व में ऐसे बदलाव आता है जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने से चारों तरफ लहर। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में योग को शामिल करते हैं तो इसके सकारात्मक प्रभाव जैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बढ़त और जीवन के हर पहलू में एक संतुलन। ऐसा ही उदाहरण अगर हम नकारात्मक साइड लें तो अपने जीवन को कोई भी गलत एक्टिविटी से जोड़ते ही नकारात्मक बदलाव जैसे ड्रग्स या नशे की लत लगने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, परफॉर्मेंस में गिरावट, आपसी संबंधों में गिरावट आदि। आइए जानें सकारात्मक मनोवैज्ञानिक खुश रहने के लिए किन किन कार्यकलापों पर जोर देते हैं। इट डिनर अपनी खुश रहने की रेसिपी में इन कार्यकलापों पर जोर देते हैं, जैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप। जिन लोगों में समाज में आपसी संबंध अच्छे होते हैं वे ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए आपसी संबंध अच्छे रखिए। एक्टिव लेजर यानी कि फुर्सत के समय मनपसंद काम में व्यस्त या कार्यरत रहना। पर्पसफुल गोल्स, अपने जीवन में सार्थक मकसद रखिए। लव ऑफ लर्निंग, सीखने से प्यार करना, जब भी आपको समय मिले नई चीजें सीखते रहिए। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करने से भी हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। खुशी को बढ़ाने के लिए हमारी बहुत सारी व्यक्तिगत आदतों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे जो लक्ष्य आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उनके लिए काम करते रहना, आशावादी होना, शारीरिक व्यायाम या खेलते रहना, अपने जीवन में आनंद में होना, धार्मिक या आध्यात्मिक होना, ऐसी स्ट्रेटेजीज को सीखना और इस्तेमाल करना जो बुरे वक्त में काम आए, योग और ध्यान लगाना, जरूर से ज्यादा सोचने से बचना और खुद को दूसरों से तुलना करने से भी बचना। आप जानते हैं कि आपसी संबंध हमारे लिए कितने अहम हैं, तो खुश रहने के तरीके जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं, दूसरों के साथ नेकी से पेश आना, कृतज्ञता रखना, अपने सामाजिक संबंध मजबूत बनाना, दूसरों को माफ कर देना और दूसरों की मदद करना। आजकल साइंस में ध्यान, योग और दूसरी खुशी बढ़ाने वाली स्ट्रेटेजीज के शारीरिक, मानसिक, यहाँ तक कि दिमाग में और कार्यप्रणाली में भी बहुत सारे फायदे दर्ज किए गए हैं। खुशी विषय के महत्व को देखते हुए विभिन्न देशों की रिसर्च में विभिन्न आयामों या फैक्टर्स पर प्रकाश डाला गया है। जैसे यह ऑस्ट्रेलियन अध्ययन 3 आयामों की बात करता है, फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि आर्थिक संचालन, रिलेशनशिप संबंध और उद्देश्य की भावना या सेंस ऑफ पर्पस का होना। ऐसे ही हमने एक शोध भारतीय ग्रामीण महिलाओं पर किया, जिसमें बहुत ही सरल भाषा में पूछा गया कि पिछले 10 सालों में जीवन जीने का स्तर यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ घटा है, बढ़ा है या बराबर है। और पाया गया कि जब वे सुविधाओं को रेफर करती हैं तो यह बड़ा है, मगर जब वो आपसी संबंधों को रेफर करती हैं तो जीवन जीने का स्तर यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आमतौर पर पिछले 10 सालों में घटा है। जैसे कि देश विदेश की रिसर्च आपसी संबंधों को खुशी का एक मुख्य फैक्टर मानती हैं। ऐसे शोध हमें इशारा करते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा है यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुश रहने की स्ट्रेटेजीज को चुनेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।